हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 14 मार्च। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 14 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर को, लेकिन इसके साथ हम कल के न्यूज़पेपर यानी कि 13 मार्च के न्यूज़पेपर को भी यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। संडे को हम द हिंदू एनालिसिस नहीं लाते क्योंकि हम उस दिन पे वीकली टेस्ट लाते हैं। तो अगर आप लोगों ने कल जो मैंने पोस्ट की थी वीकली करंट अफेयर्स की टेस्ट, अगर उसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाके पहले उसको अटेम्प्ट करना ज़रूर, सो देट आपका जो भी वीक भर का करंट अफेयर्स है वो रिवाइज हो जाएगा। अब आज हम शुरू करते हैं 13 और 14 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस के साथ। तो देखो, आगे बढ़ें उससे पहले तीन चीज़ें हैं कि आप यहाँ पे मुझे इन तीन मीडियम्स के थ्रू फॉलो कर सकते हो। आपको इस लेक्चर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसका नाम है मयूरी भागवानी। आप सर्च करोगे आपको आराम से मिल जाएगा टेलीग्राम पे, नहीं तो इसकी लिंक जो है सभी की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ऑलराइट, अब देखो सिर्फ 83 डेज बचे हैं UPSC प्रीलिम्स के लिए, इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो, अपने आपके जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करो। फ्रस्ट्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, सबको कंट्रोल करना है और अपना फोकस पूरा का पूरा अपने गोल की तरफ हमको रखना है। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, टुडे इज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। तो आप सिर्फ डे ड्रीमिंग करोगे काफी नहीं है, ठीक है। ड्रीम्स हर कोई देखता है लेकिन पूरे उनके होते हैं जो उसके लिए काम करता है, ठीक है। तो आपको उसके लिए काम करना है, आपको जितना आप अपने अंदर से पोटेंशियल निकाल के दे सकते हो उतना जरूर देना है। कोशिश करना है हर दिन जब हम उठें तो पिछले दिन से ज्यादा अच्छे हों, ज्यादा बेटर हों, इम्प्रूव हों। ओके, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। ओके, तो आज GS1 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। GS2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में से जेनेवा कन्वेंशन के बारे में, फिर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के बारे में देखेंगे, गवर्नेंस में देखेंगे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है इसको देखेंगे। GS3 में हम देखेंगे चिलिका लेक के बारे में एनवायरमेंट में से, इकोनॉमी में हम देखेंगे वाइब्रेंट विलेजेस के बारे में। तो विलेजेस को यहाँ पे उसमें टूरिज्म कनेक्टिविटी यहाँ पे इंश्योर करने की कोशिश चल रही है तो इसके लिए इसको देखेंगे। और साइंस एंड टेक में हम देखेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, शुरू करें उससे पहले दो क्वेश्चन है आपके लिए, पॉलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीलिम्स में आ चुके हैं पहले, UPSC प्रीलिम्स में, सो आई एम एक्सपेक्टिंग देयर आंसर्स फ्रॉम यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। अब आते हैं हम हमारे मेन आर्टिकल पे, ठीक है। द फंक्शनिंग ऑफ ISS आफ्टर सैंक्शंस। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की फंक्शनिंग के ऊपर, वर्किंग के ऊपर काफी बड़ा यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर। सो हुआ क्या है उसको समझे, पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या? देखो, ये एक तरह का स्पेसक्राफ्ट है जो कि स्पेस में रहता है, स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट में इसको सिचुएट किया गया है और ये लार्जर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे स्टे करने के लिए यहाँ पे पहुंचाया गया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल मतलब इसमें बहुत सारी कंट्रीज का कॉन्ट्रीब्यूशन है, पहली चीज। दूसरी चीज है स्पेस स्टेशन है, ठीक है। स्पेस स्टेशन यानी कि ये एक ऐसा फैसिलिटी है, स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है लो अर्थ ऑर्बिट में जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जाके जो भी उनको स्पेस से रिलेटेड रिसर्च करनी है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, वो सब वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बेसिकली जो भी स्पेस मिशंस हो रहे हैं उनको एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक ग्लोबल फैसिलिटी है, इट इज लाइक अ लार्ज स्पेस लेबोरेटरी। स्पेस लेबोरेटरी जैसी एक फैसिलिटी है यहाँ पे जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स विजिट करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। अब इसकी डिटेल्स में थोड़ा सा देखें तो लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर है जहाँ पे ह्यूमंस कभी भी स्पेस में गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमंस वाला जो स्ट्रक्चर है, ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर जो भी स्पेस में आज तक गया है, ये लार्जेस्ट है, ओके। और इसका मेन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था बिटवीन 1998 एंड 2011, तो 2011 में पूरी तरह से ये कंप्लीट हो चुका था। 5 स्पेस एजेंसीज हैं जो कि इसके फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे कि देखो, एक है नासा जो US की है, उसके अलावा है ESA यूरोप की, CSA है कनाडा की, रोस्कोस्मोस है रशिया की और जाक्सा है जापान की। तो ये 5 का नाम याद रखना, नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रोस्कोस्मोस जो रशिया की और जाक्सा, ठीक है। ये 5 बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और आगे बात करते हैं। अब देखो हुआ क्या है, बैकग्राउंड थोड़ा सा समझाती हूँ। रशिया यूक्रेन के वॉर आप सभी को पता है कि ये काफ़ी टाइम से चल रही है, 15-16 डेज हो चुके हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब रशिया यूक्रेन वॉर के चलते यहाँ पे रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए हैं वेस्ट ने, ठीक है। वेस्ट मतलब कि यहाँ पे UK, US, जर्मनी, इन सभी ने मिलकर यहाँ पे रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह सब कुछ लगाया, रशिया इससे भड़का हुआ है। रशिया ने बोला कि भैया तुम हमारे ऊपर से यहाँ तो सैंक्शन हटाओ या फिर
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम उनको सर्विसेज को प्रोवाइड करना बंद कर देंगे। और अगर हमने वो सर्विसेज प्रोवाइड करना बंद कर दी तो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो सकता है धरती पे आके गिर जाए, किसी के लैंड के ऊपर गिर जाए, किसी कंट्री के ऊपर गिर जाए, किसी सी में आके गिर जाए, तो सबका नुकसान हो जाएगा। सबने जितना भी पैसा इसमें लगाया हुआ है सब डूब जाएगा, ठीक है, और जिसके ऊपर गिरेगा वो नुकसान अलग। तो यहाँ पे पूरा सीन वैसा है जैसे बचपन में जाते थे ना क्रिकेट खेलने, और जो बैटिंग करने वाला होता था वो बोलता था मैं बैट मेरी तो बैटिंग भी मैं ही करूंगा। सेम रशिया आप कर रहा है कि नहीं, अब अगर तुम यहाँ तो मुझ पे से सैंक्शन हटाओ, यहाँ तो मैं अपनी सर्विसेज हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे चल रहा है। तो अभी स्टेट कॉर्पोरेशन विल नॉट कोऑपरेट विद जर्मनी ऑन जॉइंट एक्सपेरिमेंट्स इन रशिया, रशियन सेगमेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये कहा है रशिया के रिप्रेजेंटेटिव ने कि हम अपनी सर्विसेज हटा लेंगे जर्मनी के साथ जब हम कोऑपरेट वगैरह कर रहे हैं दूसरे स्पेस मिशन में, वो भी हम हटा देंगे। और यहाँ पे कई सारी जो सर्विसेज जो यूएस को देने की बात की गई थी कि यहाँ पे हम इंजन प्रोवाइड करेंगे, 24 R-180 इंजन हम प्रोवाइड करने वाले थे, R-181 इंजन प्रोवाइड करने वाले थे, ये भी हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखो इसके पीछे पूरी बात क्या है। तो देखो यहाँ पे ऐसा है कि रशिया रोल इन मेंटेनिंग ISS क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर किसी का कुछ ना कुछ रोल यहाँ पे डिवाइडेड है। अब रशिया का रोल ये है कि देखो ये है, मान लो ये है अर्थ, ठीक है, अर्थ के आसपास ये है लो अर्थ ऑर्बिट, और लो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पे मान लो स्पेस स्टेशन है। तो ये स्पेस स्टेशन जो है ना, इसको क्या होता है बार बार ये है ना स्पेस स्टेशन अपने ऑर्बिट से थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगता है। जैसे यहाँ पे है तो थोड़ा टाइम सही चलेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा खसकने लगेगा, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ऑर्बिट से अपने खसकने लगता है। तो इसको बार बार थोड़ा सा पुश की जरूरत होती है, एक्सटर्नल पुश की जरूरत होती है इसको वापस से ऑर्बिट में लाने के लिए। तो लगभग साल भर में 11 बार ये मैन्यूवरिंग लगती है, एक्सटर्नल मैन्यूवरिंग, यानी कि इसको फिर से खसकाना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है टूवर्ड्स द ऑर्बिट, ओके। तो ये चीज यहाँ पे रशिया करता है। इसके लिए काफी लंबा चौड़ा खर्चा आता है, सप्लाई बहुत लगता है यहाँ पे ऑयल वगैरह का। तो एक तो ये चीज, दूसरी चीज कि यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, एक तो ये डी ऑर्बिट होने लगता है, दूसरी चीज ये कि स्पेस में बहुत ज्यादा डेब्रिस क्रिएट हो गया है, ठीक है, स्पेस डेब्रिस बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया है। अब ये स्पेस डेब्रिस से बचाने के लिए भी यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से स्पेस डेब्रिस आ रहा है, अब यहाँ पे हमको पता लग गया कि स्पेस डेब्रिस हो सकता है हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाकर टकरा जाए, तो हमको इसको एडजस्ट करना पड़ता है इसकी पोजिशन को, ठीक है। तो ये जो एडजस्टमेंट है इधर उधर खसकाना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, ये काम करता है रशिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो रशिया है अगर वो अपना ये जो पूरी सर्विसेज जो ये देता है वो अगर हटा लेता है, तो क्या हो सकता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक तो डी ऑर्बिट हो जाएगा, दूसरी चीज इसको आके कोई भी स्पेस डेब्रिज आके इसको ठोक सकता है, इसके ऊपर जाके कोलाइड हो सकता है। तो ऐसे में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की फंक्शनिंग ही बंद हो जाएगी, और हो सकता है ये आके धरती पे गिर जाए। अब ये कहाँ गिरे कैसे गिरे कुछ नहीं पता, पर एक चीज ये पता है कि कम प्रोबेबिलिटी कि ये रशिया के ऊपर गिरे। तो रशिया ने यही कहा है कि अगर गिरेगा तो हमारे ऊपर तो नहीं गिरेगा, गिरेगा तो तुम सबके ऊपर ही गिरेगा, तो तुम देख लो कि क्या करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रशिया के ऊपर क्यों नहीं गिर सकता, क्योंकि इसको इस तरह से प्लेस किया गया है कि ये इक्वेटोरियल कंट्रीज के ऊपर गिरने की संभावना इसकी ज्यादा है, इक्वेटर के आसपास जो कंट्रीज है ना उसके आसपास यहाँ पे ये गिर सकता है। तो ये चीज यहाँ पे पूरी समझाई हुई है ना। मैंने यहाँ पे आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बता दिया है, और देखो यहाँ पे एक चीज ये है कि लगभग 250 माइल्स अबव अर्थ ये लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरह से हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें कि इसको एक्सटर्नल मैन्यूवरिंग लगती है, वैसे छोटी छोटी सैटेलाइट्स भी जो होती हैं उनको भी एक्सटर्नल मैन्यूवरिंग लगती है, ठीक है। अच्छा अब दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ये एक रेगुलर ऑपरेशन की तरह कंडक्ट किया जाता है, ओके। अब यहाँ पे लगभग 7 से 8 टन फ्यूल्स लगता है, ठीक है, एक साल में 7 से 8 टन फ्यूल लगता है इसको मैन्यूवर करने के लिए, ऑलराइट, विद ईच मैन्यूवरिंग कॉस्ट कॉस्टिंग नियरली अ टन ऑफ फ्यूल। तो एक बार अगर आपको इसको सही करना है ना तो कम से कम 1 टन फ्यूल आपको लगेगा। अगर मान लो कि अभी जरूरत है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मैन्यूवर करने की, खसकाने की, जो रशिया करता है, मान लो अभी नहीं किया, ठीक है, तो टल सकता है 1 महीने तक और टल सकता है, लेकिन जब आप दूसरी बार करोगे तो ज्यादा डाइवर्ट हो चुका होगा अपने ऑर्बिट से, तब और ज्यादा फ्यूल लगेगा और ज्यादा कॉस्ट आएगा, तो ये एक इशू है। लेकिन क्या रशिया का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, रशिया के अलावा और कोई ये काम नहीं कर सकता, तो कर सकता है। देखो यहाँ पे दो है SpaceX का, एक तो ड्रैगन मॉड्यूल है और दूसरा बोइंग का स्टार लाइनर है, ठीक है, ये दो एयरक्राफ्ट हैं, दो सर्विसेज हैं हमारे पास जो ये कर सकती हैं, लेकिन ये दोनों जो है प्राइवेट सर्विसेज है, ठीक है, जो यूएस की कंपनीज हैं उन दोनों की सर्विसेज हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये सारी कंट्रीज मिलके प्राइवेट कंपनीज को इंक्लूड करती हैं या फिर रशिया के ऊपर से सैंक्शन हटाती है सो दैट रशिया अपनी सर्विसेज वापस से शुरू कर सके, ओके। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई
बताई गई है। ओके तो ये आप पढ़ लेना अगर आप चाहो तो, बाकी मैंने पूरा आर्टिकल आपको प्रॉपरली समझा दिया है इन शॉर्ट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, चिलिका लेक एरिया टू बी ऑफ लिमिट फॉर द मोटर बोट। नाउ उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि चिलिका लेक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एनवायरमेंटली। और आप एक चीज नोटिस करोगे, उड़ीसा जो है, उड़ीसा स्टेट जो है, वहाँ की गवर्नमेंट भी जो है काफी ज्यादा ध्यान देती है एनवायरमेंट के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि काफी ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है उड़ीसा, और यहाँ पर ट्राइबल्स के साथ में मिला के एनवायरमेंट की तरफ सस्टेनेबल कदम उठाने की तरफ ज्यादा फोकस करती है उड़ीसा गवर्नमेंट। तो यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट का दूसरा स्टेप ये है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला है कि चिलिका लेक के ऊपर जो भी मोटर बोट चलती थी फिशिंग वगैरह के लिए, उनको हम तो उन मोटर बोट्स को यहाँ पे बोला गया है कि अब आप यहाँ पे कम से कम थोड़े टाइम के लिए ये मोटर बोट्स को बैन किया गया है चिलिका लेक के ऊपर। अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स के आने का समय हो गया है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स डिस्टर्ब ना हो, उनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए फिशिंग मोटर बोट्स को यहाँ पे बंद किया गया है। और स्पेशली एक जगह का नाम है मंगला जोड़ी एरिया ऑफ चिलिका लेक, ठीक है। मंगला जोड़ी एरिया जो है इसको रिकोगनाइज किया गया है एज अ ग्लोबली इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ बर्ड। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ बर्ड के लिए एक ग्लोबली इंपॉर्टेंट एरिया है जो चिलिका लेक के अंदर ही पड़ता है, तो इस स्पेसिफिक एरिया में ये मोटर बोट्स को बंद किया गया है। तो मंगला जोड़ी अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रीलिम्स में, मंगला जोड़ी इज रिलेटेड टू विच प्लेस, तो चिलिका लेक। ओके अच्छा दूसरी चीज ये है कि चिलिका के बारे में थोड़ी सी चीजें जान देते हैं। एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट लैगून है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट लैगून है, ठीक है। दूसरी चीज, 1981 में चिलिका को यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया था एज अ फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसार कन्वेंशन। तो रामसार कन्वेंशन क्या है, एक कन्वेंशन है जिसमें वेटलैंड्स को कंजर्व करने की बातचीत होती है, ठीक है। तो 1971 का कन्वेंशन है, 1975 में फोर्स में आया था, और इसमें 1981 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, पहली बार इंडिया ने जब पार्टिसिपेट किया था तो चिलिका लेक को इसमें शामिल किया गया था। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसका नाम है सतपदा आइलैंड, ठीक है, सतपदा आइलैंड, जो कि जहाँ पे इरावदी डॉल्फिन देखने को हमको मिलती है। उसके अलावा एक यहाँ पे कोर जो एरिया है ना चिलिका लेक का कोर एरिया, उसको कहते हैं हम नालाबाना आइलैंड, ठीक है। नालाबाना आइलैंड जो है एक बर्ड सेंचुरी भी है और ये कोर एरिया है चिलिका लेक का। उसके अलावा कलीजाई टेम्पल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और साथ में कई सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं अलग अलग एरिया से, जैसे कैस्पियन सी से, बैकाल लेक से, यहाँ सबसे आती हैं और यहाँ पे रूस्टिंग के लिए बेसिकली ये जो है हिमालयस क्रॉस करके इस साइड पे आती हैं। ओके इसकी लोकेशन थोड़ी सी देख लो, उड़ीसा में देखो, ये उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा में ये वाला जो लेक दिख रहा है आपको, ये है चिलिका लेक। ओके इसका मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये है चिलिका लेक, ओके। और यहाँ पे कोर एरिया है हमारा नालाबाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी आप बोल सकते हो, ओके। इसके ऊपर यहाँ पे देखो, ये वाला जो रीजन है ये है गहीरमाथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्यों फेमस है गहीरमाथा और भितरकनिका का नेशनल पार्क, ये है फॉर द ऑलिव रिडली टर्टल्स, ओके। ऑलिव रिडली टर्टल्स जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट स्पीशी है उड़ीसा की, तो ये भी याद रखना। ऑलिव रिडली टर्टल कहाँ पे रोस्टिंग करते हैं अपनी, गहीरमाथा और भितरकनिका के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ ऊपर है इन दोनों की लोकेशन। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क भी, जैसे देखो ये सिमलीपाल है, फिर यहाँ पे गरझट हिल्स है ना, हिल्स है। उसके अलावा यहाँ पे देखो ये सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके अलावा यहाँ पे देखो नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और नंदन कानन काफी फेमस भी है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट सेंचुरीज वगैरह, प्रोटेक्टेड एरियाज आपको थोड़ा सा देख के जाना चाहिए। ऑलराइट आगे बात करते हैं। देखो गवर्नमेंट ड्रग स्टोर टू सेल न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो ड्रग स्टोर्स हैं वो अब यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स यहाँ पे बेचने वाले हैं। तो देखो बेसिकली है क्या, ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है इसमें क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम जो है, ये कैंपेन है जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। अब जब भी आप कोई गवर्नमेंट स्कीम पढ़ते हो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये किसके लिए है, दूसरा किसने स्टार्ट की, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, कौन सी नोडल एजेंसी है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इसके अंतर्गत इसने शुरुआत की है इस कैंपेन की। होगा क्या इसमें कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो हैं उनको क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी ऑन अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, जेनेरिक मेडिसिन का यहाँ पे अवेलेबिलिटी लाई जाएगी, इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाई जाएगी। अभी जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है, देखो फॉर एग्जाम्पल एक आप समझो कि आपको बुखार है, सरदर्द है, ठीक है, आपने उसके लिए ली क्रोसिन टैबलेट, ठीक है। क्रोसिन आप सभी जानते होंगे, क्रोसिन टैबलेट ली या जो भी दूसरी टैबलेट्स मिलती है वो ली, ठीक है। ये क्रोसिन ली, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज
बेस्ड अपॉन पैरासिटामोल, ठीक है। इसके फॉर्मूला जो जो फॉर्मूला है ना उसको हम पैरासिटामोल कहते हैं। तो पैरासिटामोल इज द जेनेरिक नेम फॉर क्रोसिन, ठीक है। अब पैरासिटामोल वाला जो फॉर्मूला है वो अलग अलग, जैसे डोलो जाती है, डोलो 650, उसमें भी पैरासिटामोल ही होता है, ठीक है। क्रोसिन में भी पैरासिटामोल ही होता है। तो ये जो पैरासिटामोल है ये फॉर्मूला है, बाकी इनका ब्रांड नेम अलग अलग है, क्रोसिन है, डोलो है, ये सब क्या है, ब्रांड नेम है इनके, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, जब आप क्रोसिन खरीदने जाते हो तो उसका प्राइस ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप किसी जेनेरिक मेडिसिन स्टोर पर जाओगे या फिर जन औषधि केंद्र पर जाओगे गवर्नमेंट के, तो वहां पे आप बोलोगे पैरासिटामोल चाहिए, तो वही आपको लगभग 50% रेट में या फिर हो सकता है सिर्फ 20% रेट में भी आपको ये पैरासिटामोल मिल जाए। तो फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन सिर्फ ब्रांड नेम इंक्लूडेड नहीं है। ब्रांड नेम के पैसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ब्रांड नेम नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूले के बेसिस पे आपको यहाँ पे दवाई दी जा रही है, तो क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी उतनी ही अच्छी, लेकिन रेट कम हो गए क्योंकि उसमें कोई ब्रांड नेम इंक्लूडेड नहीं है। इसको हम कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन, कि यहाँ पे क्वालिटी सेम है, फॉर्मूला सेम है, बस उसमें ब्रांड नेम के बिना हम यहाँ पे उसको बेच रहे हैं, ओके। तो ये है जेनेरिक मेडिसिन। तो जेनेरिक मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए ये चीज की गई है। तो 2008 में ये स्कीम लाई गई थी, 2015 में इसको रिक्रिश्चन किया गया है, और फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है ये इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। अब जैसे कि मैंने बताया, ये जेनेरिक मेडिसिन के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करेगा, इसकी अफोर्डेबिलिटी को यहाँ पे लाएगा, कवरेज को एक्सटेंड करेगा इसके, और इसके साथ साथ यहाँ पे क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को एक्सेसिबल बनाएगा, साथ में यहाँ पे डिमांड क्रिएट करेगा जेनेरिक मेडिसिन के लिए, और ये सारी चीज़ें होंगी। आपने देखा भी होगा आपके शहरों में होगी ये जन औषधि केंद्र, ठीक है। तो ये जन औषधि केंद्र में यही जेनेरिक टाइप की मेडिसिन मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात की गई है न्यूट्रास्यूटिकल्स की, ठीक है। अब ये कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, ठीक है, यहाँ पे वैसे क्या होता था, फार्मास्यूटिकल्स मिलते थे, अब यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स भी मिलेंगे। अब ये न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाए दो चीजों से, एक है न्यूट्रिशन और दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो ये दो वर्ड से बना है न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है, ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। और ये ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म किसके लिए यूज होती है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फूड सोर्सेज विद एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स इन एडिशन टू द बेसिक न्यूट्रिशनल वैल्यूज फाउंड इन द फूड। तो फूड में जो बेसिक न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे हैं, ऐसे फूड्स को हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब इसमें देखो नॉन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल थेरेपीज भी इंक्लूडेड होती हैं, जो फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अभी जो देखो जैसे होता है ना प्रोटीन शेक्स वगैरह आती हैं, प्रोटीन बार्स आती हैं, ये सब चीजें भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं, ओके। उसके अलावा डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। जो जिम करते हैं ना, जिमिंग वगैरह करते होंगे लोग, उनको पता होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पूरा न्यूज है वो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जो है उसमें हम यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स को भी शामिल करने वाले हैं, ठीक है। इसका स्टैंडर्डाइज्ड और अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन तो हम यहाँ पे देते ही हैं, लेकिन साथ साथ में हम न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि प्रोटीन पाउडर, यहाँ पे मॉल्ट बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स, उसके अलावा इम्यूनिटी बार, ये सब भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं हमारी इन सेंटर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी हम आपको पूरी चीज बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और कि यहाँ पे जो जो भी प्राइजेस रहते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के, लगभग 50% से भी कम रहते हैं, जो आपको बाहर मार्केट में जो टॉप 3 ब्रांड्स में, मान लो पैरासिटामोल टॉप 3 ब्रांड्स जो भी है, क्रोसिन हो गई, डोलो हो गई, एक और कोई सी मान लो, इन तीनों का जो भी रेट है उसका एवरेज निकाल के उसकी 50% से भी कम रेट होना चाहिए जेनेरिक मेडिसिन का, ये इनका रूल है, ठीक है। कि जो मार्केट में आपको मिल रहा है ना प्रोडक्ट, उनका एवरेज निकाल लो, उसका 50% से भी कम रेट पे आपको ये जेनेरिक मेडिसिन मिल जाएंगी, और कई बार तो सिर्फ 20-30% रेट पे ही आपको ये मिल जाएंगी, ओके। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे कौन प्राइस डिसाइड करता है, तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी जो है ये डिसाइड करती है प्राइजेस ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, चाहे फिर ये ब्रांडेड ड्रग्स हो या फिर जेनेरिक ड्रग्स हो, दोनों के जो प्राइजेस हैं वो ये वाली जो अथॉरिटी है ये डिसाइड करती है, ओके। और यहाँ पे जो सीलिंग प्राइस रहेगा शेड्यूल्ड मेडिसिन का, वो भी यही डिसाइड करती है अंडर ड्रग्स प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर, ओके। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, रशिया यूज्ड फॉस्फोरस शेल्स इन डॉनबास अटैक्स। तो देखो यहाँ पे एक न्यूज ये आई थी, यहाँ पे यूक्रेनियन पुलिस ऑफिसर ने ये अक्यूज किया है कि रशिया जो है यहाँ पे फॉस्फोरस बॉम्ब्स को यूज कर रहा है, ठीक है। जैसे डोनबास वाला जो रीजन है, जो ईस्टर्न रीजन है यूक्रेन का, वहां पे ये रशिया जो है ये फॉस्फोरस बॉम्ब्स को यूज करता है, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है उन्होंने प्रोहिबिट किया हुआ है व्हाइट फॉस्फोरस शेल्स को यूज करने से इन द सिविलियन एरियाज, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ इसके अगेंस्ट है, इंटरनेशनल लॉ ने बैन किया हुआ है फॉस्फोरस बॉम्ब्स को इन द सिविलियन एरियाज, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे यूज हो रहा है। तो रशियन फोर्सेस ने इसको पहले भी यूज किया हुआ है, हैड यूज्ड द केमिकल रिसोर्सेस केमिकल वेपन्स इन दिस एरिया,
इट्स वॉट द नाजीज कॉल्ड फ्लेमिंग ऑनियन एंड दैट्स वॉट द रेसिसिस्ट आर ड्रॉपिंग ऑन आर टाउन्स। ये चीज कही गई है कि यहाँ पे फ्लेमिंग ऑनियंस के टाइप में ये वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब हमारे ऊपर गिराए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली देखो ये फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस बॉम्ब इज अ काइंड ऑफ केमिकल वेपन। अब देखो थोड़े दिन पहले बायोलॉजिकल वेपन बहुत न्यूज में था, क्योंकि रशिया ने ये अलर्ट किया था यूएसए और यूक्रेन के ऊपर कि ये बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहे हैं यूक्रेन में। लेकिन अब यूक्रेनियंस ये अलर्ट कर रहे हैं कि रशिया जो है हमारे ऊपर फॉस्फोरस बॉम्ब फेंक रहा है, यानी कि केमिकल वेपन हमारे ऊपर फेंक रहा है। ओके, अब देखो केमिकल वेपन्स की जब हम बात करें तो केमिकल वेपन कन्वेंशन हमारे लिए हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ केमिकल वेपन कन्वेंशन क्या बोलता है कि यहाँ पे जो भी केमिकल वेपन है उनको प्रोहिबिट करता है, उनके यूजेज को, उनके प्रोडक्शन को, उनके स्टॉकपाइलिंग को, हर तरह को इसको बैन करता है। तो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो बैन करती है केमिकल वेपन्स के यूज को, और इनसे रिलेटेड जो भी डिस्ट्रक्शन वगैरह होता है उसको कम्प्लीटली बैन करती है। ठीक है, 1980 में इसके जो नेगोशिएशन थे वो शुरू हुए थे अंडर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। ठीक है, 1993 में ये ओपन फॉर सिग्नेचर हुआ और 1997 में ये इफेक्टिव हुआ। तो याद ये रखना कि 1997 में ये इफेक्टिव हुआ था, फोर्स में आया था। ओके, इट इज मैंडेटरी, इट मेक्स इट मैंडेटरी टू डिस्ट्रॉय ओल्ड एंड अबैंडन केमिकल वेपन्स। तो जो भी आपके पास केमिकल वेपन हो पुराने, आपको उन सभी को अबैंडन करना है, डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, और मेंबर्स शुड ऑल्सो डिक्लेयर द रायट कंट्रोल एजेंट्स लाइक टीयर गैस इन पोजेशन ऑफ देम। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई चीजें हैं जैसे कि रायट कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस, आंसू गैस छोड़ी जाती है, तो अगर आपके पास ये है तो आपको ये पहले से अनाउंस करना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास इसका पोजेशन है। ठीक है, 192 स्टेट पार्टीज है, 165 सिग्नेटरीज हैं इसकी। ठीक है, और इंडिया ने इसको साइन किया था अंडर 1993, तो 1993 में हम इसको साइन कर चुके हैं। ओके, अब देखो आगे बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है ना, उसी के साथ यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। देखो ये कब आई, ये आई 1997 में। ठीक है, ये बनाई किसने, CWC यानी कि केमिकल वेपन कन्वेंशन ने ही बनाई कि हमारे अंदर जो भी हमने फीचर्स रखे हैं, जो भी प्रोविजन है उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन कराएगी। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 की रिलेशनशिप एग्रीमेंट हुआ था एक तो इस ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन और यूएन के बीच में। ठीक है, तो तब से लेके जो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएन को रिपोर्ट करती है, जो भी इंस्पेक्शन वगैरह करना है यूएन को इसकी रिपोर्ट देती है। 2013 में इन्होंने एक नोबेल पीस प्राइज भी जीता हुआ है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स हैं हेग नीदरलैंड में। ओके, अब इसके फंक्शन वही है कि इंस्पेक्शन परफॉर्म करना, साइट्स को टेस्ट करना, साथ में असिस्टेंस प्रोवाइड करना जो भी विक्टिम्स हैं, स्टेट्स हैं, उन सबके लिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो बीच में हो गया है पावर कट तो कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। विलेजेस अलोंग चाइना बॉर्डर टू ओपन फॉर टूरिज्म। तो यहाँ पे हुआ क्या है, देखो जो विलेजेस हैं, यहाँ पे एक बजट आया था हमारा जो अभी रिसेंटली, ये आया था 2022-23 में, और इसमें ये कहा गया कि यहाँ पे जो विलेजेस हैं, वाइब्रेंट विलेजेस, हम एक स्कीम लेकर आएंगे, इसमें क्या होगा बॉर्डर विलेजेस जो हैं, ये वाला बजट था, इसमें ये बोला गया कि हम एक बजट में ये स्कीम लेकर आए हैं वाइब्रेंट विलेजेस, इसमें जो भी बॉर्डर विलेजेस हैं हमारे उनमें हम ये काम करेंगे कि इनको कनेक्टिविटी देंगे, इनको कम्युनिकेशन फैसिलिटीज देंगे, इनको टूरिज्म सेक्टर से जोड़ेंगे। सो इसी के लिए यहाँ पे अब क्या हुआ है कि चाइना बॉर्डर पे जो भी विलेजेस हैं, ठीक है, जो भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल वाले एरियाज के जो भी विलेजेस हैं आसपास, उन सभी को हम कनेक्ट कर रहे हैं हमारे मेनलैंड इंडिया से और उसको टूरिज्म के लिए डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे समझाई गई है कि सिक्किम हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, लद्दाख हो गया, इन सभी के आसपास के जो भी विलेजेस हैं इनको हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है इसमें क्या था, स्कीम है ये एक तरह से, जिसमें लाइवलीहुड जनरेशन होगा, कनेक्टिविटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीविजन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये सब यहाँ पे इंश्योर किए जाएंगे। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे छोटी सी ही न्यूज है ये, लेकिन एक चीज ये कि यहाँ पे जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है हम इसको काउंटर करने वाले हैं, मतलब इसके थ्रू हम काउंटर करेंगे चाइना का जो मॉडल विलेज प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है चाइना, हमारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसके आसपास अपने विलेजेस को एक्सपांड करता जा रहा है। ठीक है, तो हमको इसको काउंटर करने के लिए अपने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये भी है, आगे बात करते हैं। तो देखो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में आपको बता चुकी हूँ, ये बॉर्डर विलेजेस हैं, स्पार्स पॉपुलेशन है, लिमिटेड कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ पे इन सभी के साथ साथ यहाँ पे जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, ठीक है, ये नॉर्दर्न बॉर्डर पे आपको मिलेंगे, और इसमें क्या करना है हमको, इन जो विलेजेस हैं इनको मेनलैंड इंडिया के साथ जोड़ना है, टूरिस्ट सेक्टर सेंटर्स इसमें डेवलप करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, दूरदर्शन, एजुकेशनल चैनल्स, ये सब कुछ ओपन करने हैं हमको यहाँ पे इस्टेब्लिश करने, सो दैट यहाँ पे लाइवलीहुड जो है इनका प्रॉपरली बन पाए। ओके, आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा आज का आर्टिकल जो है जेनेवा कन्वेंशन के बारे में। ओके ओके, तो देखो अब यहाँ पे जेनेवा कन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं। अब ये हम क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। तो देखो बैकग्राउंड ये है कि रशिया यूक्रेन जो वॉर हो रहा है, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते यहाँ पे कई सारे सिविलियंस की जाने जा रही है ना, सिविलियंस की कई सारी जाने यहाँ पे जा रही है। और इसीलिए यहाँ पे इंटरनेशनल जो मीडिया है, इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, प्लेटफॉर्म हैं, उनका कहना है कि हमने जेनेवा कन्वेंशन भी तो बनाया है। ये जेनेवा कन्वेंशन हमने क्यों बनाया है कि जहाँ जब भी कोई वॉर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो तो वहाँ पे सिविलियंस की जान ना जाए कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के चार जेनेवा कन्वेंशन बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जेनेवा कन्वेंशन की क्या रेलिवेंस है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कई सारे लोगों ने ये कहा है कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जो रशिया जो है ग्रेनेड गिरा रहा है सिविलियंस के ऊपर, सिविलियंस को मार रहा है, सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहा है। और यहाँ पे जो पुतिन है, जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हम यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे जो भी सिविलियंस मर रहे हैं उनकी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हुई है। अब यहाँ पे ये एक तरह से वॉर क्राइम भी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये वॉर क्राइम है, जीनोसाइड है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है और ये सारी चीजें यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इनका ट्रायल होना चाहिए, ये सारी चीजें कुछ कुछ एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं ना। देखो चार तरह के कन्वेंशन है, जेनेवा कन्वेंशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो 1949 में ये कन्वेंशन आए और ये चार कन्वेंशन अलग अलग चीजों को एड्रेस करते हुए हैं, ठीक है। शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि आपको फिर इजी होगा आर्टिकल समझने में। तो जेनेवा कन्वेंशन नंबर 1 जो है वो बात करता है कि जो भी ऑन लैंड सोल्जर्स हैं, ठीक है, सोल्जर्स जो हैं, जो भी सिख हैं, वुंडेड हैं, इन सबको आर्म्ड फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं, जो ऑन लैंड इन द फील्ड यहाँ पे वुंडेड हुए हैं, सिख हुए हैं, उनको यहाँ पे उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा कन्वेंशन है आर्म्ड फोर्सेस सी के लिए, तो जो भी सी में जो भी नेवल ऑफिशियल्स हैं हमारे, उनकी कंडीशंस को यहाँ पे ठीक करने के लिए ये सेकंड कन्वेंशन है। तीसरा है ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो बेसिकली ये कहता है कि जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, वॉर में जिनको भी आप अरेस्ट करके लाए हो, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं कर रहे हो, ये चीज इंश्योर की जाती है जेनेवा कन्वेंशन नंबर 3 में। और जेनेवा कन्वेंशन नंबर 4 जो है ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द सिविलियंस, सिविलियंस का प्रोटेक्शन एट द टाइम ऑफ वॉर। तो वॉर के दौरान आप सिविलियंस की ह्यूमन राइट्स तो यहाँ पे वायलेट नहीं कर रहे, ये बात करता है जेनेवा कन्वेंशन नंबर 4। सो आज का जो हमारा आर्टिकल है इसका हाईलाइट है नंबर 4 वाला जेनेवा कन्वेंशन। ओके, तो देखो इसमें अलग अलग चारों के बारे में बताया हुआ है। 1949 में ये साइन हुआ था, इसके साथ साथ एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी साइन हुए थे, ठीक है। इसमें फोकस जो था कन्वेंशन का वो ये था कि जो भी नॉन कॉम्बेटेंट हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, उनके ऊपर किसी तरह की आप कन्वेंशनल या बायोलॉजिकल वेपन्स तो यूज नहीं कर रहे, इनकी तो कोई गलती नहीं है, तो पॉलिटिक्स में शामिल नहीं है, तो इनके ऊपर आप इस तरह की चीजें ना यूज करें। तो चारों कन्वेंशन के बारे में इसमें बताया हुआ है, देखो फर्स्ट कन्वेंशन, सेकंड कन्वेंशन, थर्ड कन्वेंशन एंड फोर्थ कन्वेंशन, ठीक है। तो फोर्थ कन्वेंशन बोलता है कि जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया है, इसमें जो भी सिविलियंस की जाने जा रही है वो नहीं जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन, ठीक है। क्योंकि ये बोलता है कि यहाँ पे सिविलियंस के प्रोटेक्शन की बात करता है ये फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन। और यहाँ पे ये बेसिकली आया कब, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई और देखा गया कि सिविलियंस की इतनी जाने जा रही है और इसके लिए कोई कन्वेंशन ही नहीं है हमारे पास, कोई हमारे पास प्रोटेक्टिंग कोई ट्रीटी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जेनेवा कन्वेंशन नंबर 4 आया। इसके साथ साथ एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी आए 1977 में, ठीक है, फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन के साथ। इसमें ये बोला गया कि जो भी पर्सन है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, उनके यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, हॉस्टिलिटीज से कैसे हम उनको बचाएं, ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई। नाउ देखो ये जो कंट्रीज कौन कौन ने किस किस कंट्री ने इसको साइन किया हुआ है ये देखते हैं। तो देखो जेनेवा कन्वेंशन को लगभग 196 कंट्रीज ने रेटिफाई किया हुआ है, ठीक है, सभी यूएन मेंबर्स ने इसको रेटिफाई किया हुआ है। जो प्रोटोकॉल है हमारे, ठीक है, जो हमारे जो एडिशनल प्रोटोकॉल है जेनेवा कन्वेंशन के साथ, उसको लगभग अलग अलग अमाउंट में कंट्रीज हैं, जैसे एक को 174 ने, एक को 169 ने, एक को 79 कंट्रीज ने यहाँ पे रेटिफाई किया हुआ है। 2019 में, देखो 2019 तक सब सही था, 2019 में रशिया ने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया जेनेवा कन्वेंशन नंबर 4 से, क्योंकि शायद हो सकता है उनको ये अंदाजा हो कि आगे जाके हम अटैक कर सकते हैं यूक्रेन के ऊपर, इसलिए उन्होंने इसके इससे पीछे हट गए। तो अब क्योंकि वो इस कन्वेंशन से पीछे हट गए, तो उनको आप रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहरा सकते कि आपने जेनेवा कन्वेंशन को वायलेट किया, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ ही कर दिया था पहले से, ठीक है। तो ये एक चीज है। अब ये चारों कन्वेंशन और पहले दो प्रोटोकॉल्स जो थे
मतलब अभी सब ये सब चल रहा है, मतलब जो प्रोटोकॉल है, एक प्रोटोकॉल से यहाँ पे रशिया इन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो बाकी जो प्रोटोकॉल वगैरह थे, जो बाकी जेनेवा कन्वेंशन थे, वो भी साइन किए थे यूएसएसआर ने, रशिया ने नहीं किए थे। तो अगर आप रशिया को जिम्मेदार ठहरा भी देते हो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, तो यहाँ पे रशिया ये कह सकता है कि हमने तो इसको साइन किया ही नहीं, हम यहाँ पे तो सोवियत रशिया ने इसको साइन किया था, हम तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट रशिया कंट्री अलग हो गया है, ठीक है, तो हमने इसको साइन नहीं किया है। नाउ यहाँ पे पोटेंशियल प्रोसिक्यूशन के लिए क्या स्टेप्स हो सकती हैं, तो देखो यहाँ पे आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रोम स्टेच्यूट का आर्टिकल 8 ये कहता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है रिगार्डिंग वॉर क्राइम्स, ठीक है। तो ये वॉर क्राइम्स में क्या क्या आता है, देखो विलफुल किलिंग, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, टॉर्चर, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स यूज करना, सफरिंग्स देना किसी को बॉडीली हेल्थ वाइज, ठीक है, और यहाँ पे जेनोसाइड वगैरह करना, ये सब इसमें आता है। तो हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रशिया को ट्राई किया जा सकता है आगे बाय द वेस्टर्न कंट्रीज और यूक्रेन, ठीक है। बाकी इसके अलावा जेनेवा कन्वेंशन ज्यादा इसके ऊपर ज्यादा कुछ होल्ड नहीं ले पाएगा रशिया के ऊपर, ओके। तो ये पूरा आर्टिकल था, जेनेवा कन्वेंशन के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो एविडेंसेस भी हैं कि हमारे पास कि हम रशिया को आगे जाके जिम्मेदार ठहरा सकें, तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ एविडेंसेस तो हैं, जैसे अभी मारियोपोल में ये कहा गया कि एक मेटर्निटी होम के ऊपर, मेटर्निटी हॉस्पिटल के ऊपर यहाँ पे बॉम्ब गिराया रशिया ने, तो ये एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ठीक है, इनह्यूमैनिटी है। दूसरा यहाँ पे कई सारे वीडियोज भी सामने आ रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से रेसिडेंशियल एरियाज पे रशिया यहाँ पे ग्रेनेड वगैरह गिरा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इश्यू ये है कि देखो जो ये बॉम्ब्स वगैरह गिरते हुए दिख रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा कौन सी साइड से गिर रहे हैं, तो ये भी एक इश्यू है कि एविडेंसेस इतने क्लियर नहीं है, ओके। तो जेनेवा कन्वेंशन इवन व्हेन बैक्ड बाय द रूलिंग ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय द थर्ड पार्टीज टू एनी कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी इसको इम्पोज नहीं कर सकता। दे हैव इन द पास्ट प्रूव्ड इफेक्टिव एट रेजिंग ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, तो बेसिकली जेनेवा कन्वेंशन ने एक कॉन्ट्रीब्यूशन तो किया है कि ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर इन्होंने अवेयरनेस तो फैलाई है, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा आर्टिकल आज का। आगे बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की, यानी कि जो हमने 12 मार्च को क्वेश्चंस पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द केमिकल फर्टिलाइजर्स कंसिडर द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको कंसिडर करना है ये सारे स्टेटमेंट्स को। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एट प्रेजेंट रिटेल प्राइस ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। सो सही है ये स्टेटमेंट कि गलत है, आप बताओ। देखो यहाँ पे ये मार्केट ड्रिवन है या नहीं है केमिकल फर्टिलाइजर्स के रेट, तो ये गलत है, ठीक है। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इसलिए गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्राइजेस को, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट सही है, अमोनिया जो है इनपुट रहता है यूरिया में और ये नेचुरल गैस से बनता है। इस पूरी प्रोसेस जो है जिससे नेचुरल गैस से अमोनिया बनाया जाता है, इसको कहते हैं हम हेबर्स प्रोसेस, ओके। तीसरा है सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर अ फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, तो ये ऑयल रिफाइनरीज का बाय प्रोडक्ट है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट ही सही है, फर्स्ट गलत है। इसका आंसर होगा बी, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड एट, तो इसका आंसर है डी। आप देखोगे मैप में तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में ये लोकेटेड है, ठीक है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में लोकेटेड है। अक्साई चीन के वेस्ट में पड़ता है, ठीक है, ईस्ट में नहीं पड़ता। लेह के भी वेस्ट में पड़ता है, गिलगिट बाल्टिस्तान के लगभग ईस्ट में पड़ता है, ईस्ट साउथ ईस्ट में पड़ता है ये, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ओके। सो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लेना, जिसके भी सही हो वेरी गुड, ओके। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा लेक्चर तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना अपना जो भी आपके आंसर्स हो ऑफ द इनिशियल टू क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड, और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। सो हैव अ वेरी गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।